सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने डॉक्टर श्रुति यहाँ विशेष रूप से शामिल हुई। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज लंबे समय से विद्यार्थियों को अध्ययन करा उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। वही विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर प्रतियोगी टेस्ट श्रृंखला भी आयोजित की जाती है। साथ ही टेस्ट सीरीज में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने संस्थान से ही पढ़कर आज चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर श्रुति दुबे पहुंची, जो कि कान नाक गला विशेषज्ञ है। उन्होंने पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। अपने संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डॉक्टर श्रुति ने अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये ऐसा अनुभव है जैसा लगता है मैं आज भी यहाँ एग्जाम दे रही हूँ। यहाँ मैक्सिमम लोग अब भी वही हैं, ये वही चेहरे हैं, और इतने साल के सर लोग के और तजुर्बे 20 साल और एड हो गए हैं। तो अब तो ऐसा हो गया है कि ये लोग यहाँ के डायमंड हैं। इनसे जितना आप सीख लो, जितना आप समझ लो। वर्तमान के शिक्षण प्रणाली में सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है, उसके जो दुर्गुण होते हैं उसको लोग आत्मसात कर रहे हैं और अच्छे गुण को नहीं, उसके बारे में बताएं। ये बेसिक इंसान की हैबिट होती है कि जो चीज़ इजी हो और जो मतलब जिसमें आपको मेहनत ना लगे, डेडिकेशन ना लगे, और जो न्यूसेंस और गॉसिप टाइप की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ग्रेस्प होती हैं। हमें बेसिकली यहाँ आ कर के ये सीखना है कि कैसे हम उस पोर्शन को अपने में कम आने दें, और उसकी जो पॉजिटिविटी है, जैसे कि हमको एक एक उसमें बैठ करके बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट्स मिल जाते हैं, तो हमको इन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन कि कैसे नहीं हो पा रहा उस पे देखें। नहीं हो पा रहा तो अपने खुद का फेलियर है, वो अपन को खुद समझना चाहिए, दूसरे का फेलियर नहीं गिनना चाहिए। आज हमारे बीच में डॉक्टर श्रुति दुबे, जो हमारे 2003-04 बैच के स्टूडेंट रही हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये कड़ी हम पिछले कोविड के पहले से हमने शुरू की थी कि जो बच्चे आज हमारे स्टूडेंट रहे हैं और शहर में आज एक अच्छा नाम है, आज शंकराचार्य में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ENT के एक बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं शहर की, तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को ही आज मुख्य अतिथि के रूप में उन बच्चों के सामने रखें जिनके जैसे ये कभी खुद थे। तो आज उनके सामने ये बच्चे अपने प्रश्नों को रखेंगे, बातें करेंगे और हौसला लेंगे और मोटिवेट होंगे। देखिए कुछ अंतर आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे काफ़ी बेटर हो गए हैं, उनको ऑनलाइन भी आ गया है, ऑफलाइन तो पहले से पढ़ते ही रहे हैं, एक विधा उन्होंने और सीख ली है कि हिंदुस्तान के विश्व के किसी भी कोने से जुड़कर वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं बुराई में भी अच्छाई होती, तो ये अच्छाई है। अब जो इसको लेना चाहेगा, जितना लेना चाहेगा उसके लिए अच्छी है, जो नहीं लेना चाहेगा उसके लिए तो कभी भी बुरी चीज़ बुरी रहती है। तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ने भी अपने अनुभव बताए। बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ पढ़ ही नहीं रहती हूँ, या फिर मतलब कोई मतलब ऐसा होता है कि बनता नहीं, मतलब मेरे से ऐसा अधिकतर ऐसा होता है कि फिजिक्स तक आते आते बहुत टाइम मतलब कम हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू जैसे मेरा फर्स्ट टेस्ट था तो टाइम कम हो गया था, बट ये सेकेंड टेस्ट में मतलब थोड़ा ऐसा था कि टाइम मैनेज होने लगा था। बहुत अच्छा लगता है जब अपने यहाँ से पढ़ के जो लोग गए हैं और आके अपने मतलब बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगता है अगर हम भी उनकी जगह होंगे, अच्छा लगता है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज लगातार बेहतर शिक्षा देने अग्रसर है, वहीं टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।